शेख, मेरा सवाल मकरूज के बारे में है कि अगर कोई शख्स 1 लाख रुपया कर्ज ले रहा है और किसी काम के लिए लिया लेकिन वो काम शुरू नहीं किया और उसको अपने पास रखा, 1 साल हो गया, तो अब ऐसी हालत में उस पर कर्ज वो ज़कात दिया जाएगा या नहीं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपसे ही दिलवाऊंगा। इसका जवाब ऐसे है कि आप ये बताइए कि जब आपने 1 लाख रुपया कर्ज ले लिया किसी से, तो अब वो जो 1 लाख है वो किसका हो गया, उसका मालिक कौन है? अब वो तो मैं ही हूंगा शेख, वो आपका हो गया ना। जैसे आपकी दूसरी प्रॉपर्टियां हैं, उसी तरह वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब ये नहीं, अब उस पैसे से कर्ज देने वाले का आप कोई ताल्लुक नहीं रह गया, वो पैसा आपका हो गया। तो जब वो पैसा आपका हो गया तो उसमें जकात कैसे नहीं वाजिब होगी? अब वो पैसा अगर इतने टाइम तक आप रखे हुए हैं कि उसका साल गुजर गया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, खालिस खालिस आपकी प्रॉपर्टी है, और आपकी मिल्कियत में उस पर साल भी गुजर गया, तो उसमें जकात देना है आपको, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी में देना है। तो फिर शायद जो मकरूज के बारे में है कि जो कर्जदार है वो जकात खाएगा, जो मसारिफ जकात हैं, तो फिर ये शख्स जो है ये कर्ज भी है, तो ऐसी हालत में क्या कहेंगे जी भाई? वो कैसा कर्जदार है कि वो पैसा लाके घर में रखा हुआ है? अगर उसे अपने कर्ज की इतनी ही फिक्र है तो वो दे क्यों नहीं देता जी? कैसा कर्जदार है वो? शेख अल्बानी ने इस मसले में यही नुक्ता उठाया है कि अगर कर्ज कोई आदमी कर्ज क्यों लेता है, जरूरतमंद होता है, तो जो जरूरतमंद होगा लाके रखे रहेगा नहीं, वो तो खर्च उसको खर्च करेगा, वो तो खर्च करेगा, खर्च कर देगा तो ज़कात ऑटोमेटिक नहीं देना होगा। अब वो ला करके अगर रखा हुआ है, इसका मतलब वो जरूरतमंद नहीं है, तो अगर वो रखा हुआ है तो उसे ज़कात देना होगा। और अगर उसे अपने कर्ज की फिक्र हो रही है तो भाई कर्ज की अदायगी कर दो ना ज़कात का टाइम आने से पहले, तो ऑटोमेटिक वो रकम चली जाएगी। शेख, इनका जो सवाल था तो उसमें जो जिसका माल है वो भी ज़कात अदा करेगा उस पैसे की? एक तो ये है कि इन्होंने रखा हुआ है, अहसन तबारक अल्लाह जी, तो सही जगह पर आपने सवाल किया है जी, मैं समझ गया आपका इश्काल, मैं इश्काल ये समझ गया आपका इश्काल ये है कि जो जिसने कर्ज दिया है, कर्ज देने वाले को भी जकात निकालनी होती है अगर उसे अपनी अपना कर्ज वापस मिलने की मुकम्मल उम्मीद है, तो जी जी, तो उसको भी निकालना होता है, तो जाहिर है वो भी निकालेगा। दूसरी तरफ जिसके पास वो रकम रखी हुई है, वो कर्ज की रकम, और साल भर उसने बचा बचा के उसको रखा हुआ है, वो भी निकालेगा क्योंकि उसका माल है जी। तो एक ही माल में दो लोग कैसे जकात निकाल रहे हैं? यानी एक ही माल की जकात दो बार कैसे निकल रही है? एक ही माल की जकात दो बार कैसे निकल रही है? इसका जवाब यह है कि कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनमें एक माल में दो बार जकात निकल सकती है। अच्छा जी, मैं आपको इसको एक दूसरी मिसाल से समझाता हूं, इसका जवाब भी आप दीजिए। जैसे किसी कोई आदमी जो है खेती किया, 50 क्विंटल जो है गल्ला पैदा किया। अब जब 50 क्विंटल गल्ला जिस दिन वो काटेगा, वो क्या करेगा? उसकी जकात अदा करेगा, जकात निकालेगा। कितना? 10%। 10% जकात निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद 50 क्विंटल गल्ला जाहिर है वो खा तो पाएगा नहीं, उमूमन जो है 50 क्विंटल गल्ला कौन खाने के लिए रखता है। अब उस गल्ले को क्या करेगा? वो बेचेगा। पहले जकात निकाल दिया, अब बेचा, अब बेच करके उसने रकम बनाया। अब वो रकम जो है उसके पास आ गई, पहले वो चीज गल्ले की शक्ल में थी, अभी रकम की शक्ल में आ गई। अब वो जब पैसा हो गया उसका, अब पैसा भी वो रखा हुआ माशाल्लाह, उसको अल्लाह ताला ने बहुत दे रखा है, वो पैसा खर्च करने की नौबत नहीं आई, वो पैसा साल भर रखा रहेगा। अब वो क्या करेगा? उस पैसे में भी जकात निकालेगा। तो एक माल की जकात दो बार निकली कि नहीं? तो ऐसी बाज सूरतें हैं जिनमें एक माल में दो बार जकात निकल सकती है, क्योंकि दोनों की हैसियतें अलग अलग हैं। एक ही हैसियत से एक माल में दो जकात नहीं निकल सकती है, लेकिन उसकी हैसियत बदलने से एक ही माल में दो बार जकात निकल सकती है। जैसे कि मैंने एक दूसरी मिसाल बताया उसकी, और भी कई मिसालें हो सकती हैं।
तो जो कर्ज कर्ज खा है, जिसने कर्ज दिया है, वो इस हैसियत से निकालेगा कि उसका वो माल है, वो कभी भी मिल सकता है उसको। और जो कर्ज लिया है वो दूसरी हैसियत से, कि उसने अब दूसरे से ले लिया है अपनी मिल्कियत में। तो दोनों की हैसियतें अलग अलग हैं। जी जी जी, वाज़े है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।